नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। छतरपुर में नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर भरत पाठक दादा ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज छतरपुर में राष्ट्रीय व्याख्यान युवा दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश का कोई भी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति, महिला, दिव्यांग, बेरोजगार, युवा कोई भी हो, सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए और सभी को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। देश के, उन्होंने आगे कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हर घर घर तक पहुंच रही हैं, सभी इसका लाभ लें। इस अवसर पर विधायक श्रीमती ललिता यादव, आरएसएस के भारचंद्र नाथू जी भाई साहब, डॉक्टर ऋषि द्विवेदी, नीरज सोनी, अमित जैन, मनीष जी, जन अभियान परिषद के जिला संयोजक आशीष ताम्रकार जी उपस्थित रहे। कोई पिछड़ा न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे और हमारे घर के आस पास साफ सुथरा हो और कोई भी मुकदमा कचहरी में न जाए। ये भी हम एक युवा अपने आसपास संकल्प लेकर के एक पुरवा मोहल्ले में काम करेगा तो एक अच्छा वातावरण अपने नगर के अंदर, जिले के अंदर बन सकता है। वो बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी भूमिका है। इसका जो जन अभियान परिषद की जो स्थापना हुई उसके पीछे मूल भावना ही यही है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीन तक, लोगों तक, जिनको आवश्यकता है उन तक आप पहुंचने में सहायता करें, मदद करें। नवांकुर, प्रस्फुटन, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, किसी भी तरीके से। कल बहुत कष्ट हुआ, एक मोहल्ले में हम गए, वहां देखा कैंप लगा हुआ था, पता तो ये चला कि विधायक जी पहुंचने वाले हैं और लोग भी यही समझे कि विधायक जी वहां पहुंचे हैं, लेकिन हम राजनगर क्षेत्र में थे, वहां पता चला कि विधायक जी आए थे, वहां पर पहुंची थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं नगर में कि जिनके पास में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनके अपने ब्लैकलिस्टेड हो गए और उनके मकान नहीं बने, तो महिलाएं रो रही थी। ऐसे नगर में आपके आसपास अगर कोई है, लड़ जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़िए, चिंता मत करिए। ये है नीरज जी जैसे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको उनका अधिकार दिला करके रहिए। चाहे वो दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, कोई अधिकार आपके हमें यहाँ बैठना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, लेकिन दारू पीना बंद।